सुनाओ। सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 वापस लो वापस लो वापस लो मुर्दाबाद वापस लो वापस लो वापस लो मुर्दाबाद 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 नुकसान तो ये है, देखिए श्राइन शब्द जो है वो इंग्लिश का शब्द है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, यह तिरुपति बाला एक्ट जो है इन्होंने इसको नामित किया है। आप ये बताइए, भगवान केदारनाथ जी जो है ज्योतिर्लिंग यानी सत्युग के हैं, बद्री विशाल जी द्वापर युग के हैं, यमुना जी गंगा जी कर्म की अधिष्ठात्री और भक्ति की अधिष्ठात्री, ये उत्तराखंड के चार धाम आस के नहीं है, और इसके सामने वैष्णो देवी जो है बहुत ही नया तीर्थ है, ये आराध्य है। तो और पहले जो समितियां काम कर रही थी BKTC बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, देखो मंदिर शब्द आ रहा था, समिति शब्द आ रहा था, बद्रीनाथ का नाम आ रहा था, केदारनाथ का नाम आ रहा था, इसी प्रकार से यमुनोत्री में यमुना जी, गंगोत्री में गंगा जी, ये शब्द यतो नाम ततो गुण, इनके नाम जो है। और आज आपने इसको क्या आपको केदारनाथ BKTC जो केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति है उसमें उसमें कुछ कमी बताई, इसमें उसी का अमेंडमेंट कर लेते हैं ये लोग, तो उसी में कुछ और कुछ बढ़ोतरी कर देते, इनका तो यही तो आशय है ना कि सेंटर गवर्नमेंट ने एक हेड में पैसा देगी, जो पैसा नहीं आ पा रहा है वो इसी हेड में आप पैसे लेके आइए। तो पहली बात तो ये है कि पवित्रता और इसके नाम से ही जो है हमारा बहुत बड़ा जो है विरोध है। लोगों के तीर्थ पुरोहित से लेके व्यापारी खच्चर घोड़े वाले ये सारे लोग श्राइन बोर्ड से प्रभावित होंगे और इसका व्यापक आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि सरकार की नज़र मंदिर की जो कमाई है, जो जिस हिसाब से वहाँ पे असंख्य यात्रियों का आना जाना हो गया आपदा के बाद, तो सरकार की नज़र जो है कि वहाँ के जो मंदिर से जो अर्निंग होती है उस पे है, और इसी कारण सरकार चाहती है कि यहाँ पे श्राइन बोर्ड का गठन हो जाए, इन लोगों को बाहर कर दिया जाए, लेकिन ये असंभव है क्योंकि सारे लोग तीर्थ पुरोहित समाज सारे स्थानीय लोग एक हैं और एक ये बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। कई वर्षों से आप देखते आ रहे हैं हमारे जो केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित हों, समाज जो व्यापारी लोग हैं गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक, सभी लोग केदारनाथ भगवान के आस्था और उसके महत्व से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग जानते हैं। और इसका श्राइन बोर्ड सरकार श्राइन बोर्ड लाने जा रही है, जिसका कि तमाम व्यापारी वर्ग इसका विरोध करता है, तीर्थ पुरोहित वर्ग इसका विरोध करता है, जो अगर व्यापारियों के हक में नहीं होगा तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। साइन बोर्ड से हम सारे जहाँ जो भी लोग हैं स्थानीय लोग यहाँ पर हैं, जैसे केदारनाथ से हम लोग सब वो हैं जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों का रोजगार भी एकदम खत्म हो रहा है, और जो हमारे हक हक हुए आज से नहीं पीढ़ियों से, हमारे पूर्वजों ने वहाँ जो सदियों से बाबा का भोग लगाया, बाबा की अर्चना पूजा अर्चना की, आज सरकार चाहती है कि वहाँ पर जो है गवर्नमेंट जो है वो करे श्राइन बोर्ड लगाए, हम इसका घोर विरोध करते हैं। इतना नहीं है, परसों 4 तारीख को हम 10,000 आदमी जा करके विधानसभा का वहाँ पर घेराव करेंगे।